Good morning, everyone. Today, I am here with a new topic, invitations for class 11th and 12th students who are going to appear in the board examination for the session 23-24. आज मैं नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ राइटिंग सेक्शन में 12वीं के लिए और 11th के लिए भी. ये टॉपिक है इनविटेशंस, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं. तो ठीक है, इनविटेशन कैसे लिखना है, कुछ टिप्स हम आपको बताएंगे जो आपने ध्यान में रखनी है. और आप कोई भी इनविटेशन लिख सकते हैं. वो टिप्स क्या हैं, सबसे पहले तो थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा. पहले हम ये बताते हैं कि इनविटेशंस कितनी तरह के होते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ इनविटेशंस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. जैसे लेटर्स होते हैं इनफॉर्मल फॉर्मल, वैसे इनविटेशंस भी होते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. एक प्रकार के नोटिस है, जैसे हमने आपको नोटिस भी बताया था पहले. तो नोटिस अगर आपको आता है तो आपको इनविटेशंस भी आ जाएंगे. तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको फॉर्मल इनविटेशंस. फॉर्मल इनविटेशंस क्या होते हैं? एक्चुअली फॉर्मल इनविटेशंस आर मेंट फॉर राइटिंग इन द प्रिंट फॉर्म. प्रिंट फॉर्म में ही हम इसको लिखते हैं. जैसे कार्ड्स बनाते हैं, मैरिज के कार्ड हैं, बर्थडे इनविटेशन के कार्ड्स हैं, और सारे इनविटेशंस हैं. कहीं आपने कोई ओकेजन पे किसी को बुलाना है, चीफ गेस्ट को बुलाना है, ये सारे इनफॉर्मल में हम लिखेंगे. तो क्या क्या विशेष बातें हैं जो आपको इनफॉर्मल में ध्यान रखनी है, वो है सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा. किस में लिखा जाएगा? थर्ड पर्सन. मैंने आई और वी का यूज बिल्कुल भूल के भी नहीं करना है किसी फॉर्मल इन्विटेशन में. अब रही बात शुरुआत की, उससे पहले एक बात और है. जितने डब्ल्यू एच फैमिली के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे व्हाट, हुम, व्हेन, वेयर, विच, हाउ, व्हाट टाइम, अगर इनका जवाब मिलता है आपके इन्विटेशन में तो योर इन्विटेशन इज सपोज टू बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट. अगर डब्ल्यू एच फैमिली के सारे क्वेश्चन सेटिस्फाई होते हैं आपके एडवर्टीजमेंट में तो दैट इज सपोज टू बी द कंप्लीट इन द इन्विटेशन और कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट. तो देखिए, ये एक तो चीजें हैं, थर्ड पर्सन में लिखना है. और उसके बाद कैसे हम बताएंगे, देखिए सबसे पहले बात ये है, जैसे मैंने पहले बताया था 50% इंफॉर्मेशन इस तरह के क्वेश्चंस में ही हमें मिल जाती है. जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें लिखा हुआ यू आर सच एंड सच, और उसके बाद क्या लिखना है ये भी 50% समझ लो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा. 50 या 80%, बाकी आपने एक मैनिपुलेशन करना है अपने आप लैंग्वेज का और वो हो जाएगा. तो एक बात ध्यान में रखें, फॉर्मल इनविटेशंस आर टू बी रिटन इनसाइड ए ब्लॉक. ये बॉक्स बना दो आप एक और उसके अंदर ही ये लिखे जाते हैं. तो ये हमने बॉक्स बना दिया, ठीक है, राइट. और शुरुआत करते हैं नेम ऑफ द हॉर्स से. किससे? नेम ऑफ द हॉर्स. सबसे पहली लाइन में हम लिखेंगे नेम या नेम्स ऑफ हॉर्स. थर्ड पर्सन में लिखना है इसलिए नाम ही लिखा जाएगा, आई वी नहीं लिखेंगे. और उसके बाद दूसरी लाइन में लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे दूसरी लाइन में? स्टैंडर्ड फ्रेज. स्टैंडर्ड फ्रेज. तो पहले हम इतना बता देते हैं आपको, नेम ऑफ द हॉर्स से आप शुरू करेंगे. अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि आपके घर में किसी की मैरिज है या बर्थडे सेलिब्रेशन है या इनॉग्रेशन है या कोई गेट टुगेदर है, इसके लिए आप इनवाइट कर रहे हैं, या टी पार्टी है या कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए कैसे इनवाइट करेंगे, फॉर्मल इनविटेशन कैसे देंगे, ये क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा क्या फंक्शन है. तो हम चलते हैं, जो आम है सब बच्चे समझते भी हैं, सबके घरों में कार्ड्स आते हैं मैरिज के, तो उसको बोलते हैं इनविटेशन फॉर, या वेडिंग इनविटेशन को हम कह सकते हैं. तो वेडिंग इनविटेशन है, क्वेश्चन में दे रखा होगा यू आर सच एंड सच, मिस्टर एंड मिसेज अग्रवाल ऑफ दिस एंड दिस एड्रेस भी दे रखा होगा, है ना. राइट अ फॉर्मल इनविटेशन टू इनवाइट पीपल ऑन द बर्थडे या ऑन द वेडिंग ऑफ योर सन और डॉटर, जो भी है उसके लिए हमने बनाना है. चलो हम लड़के की शादी के लिए कार्ड बना देते हैं या लड़की की शादी के लिए कार्ड बना देते हैं. कैसे? तो हमने क्या कहा, सबसे पहले नेम ऑफ द हॉर्स.
अब यहाँ पे थोड़ा सपोज करके चलो, क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा वो लग जाएगा यहाँ पे, अगर क्वेश्चन बनाए तो स्पेस कम है, तो आप समझ लीजिए, माना मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल जो है अपने लड़के की शादी के लिए इनविटेशन दे रहे हैं, लड़के का नाम है मान लिया जाए सोहन, या लड़के का नाम है मान लिया जाए प्रशांत, कुछ भी हो सकता है, चले तो हमने क्या कहा सबसे पहले नेम्स ऑफ हॉर्स, और इसको बिल्कुल आपने आर्टिस्टिकली लिखना है, बिल्कुल बीच में लिखना है नेम ऑफ द हॉर्स, थोड़ा सा प्लान करके चलना है, यहां से बराबर रहे, तो आप देखो नेम ऑफ द हॉर्स मिस्टर एंड मिसेज अग्रवाल भी लिख सकते हैं, मिसेज एंड मिस्टर अग्रवाल भी लिख सकते हैं, तो आज का ओकेजन ये मतलब ट्रेंड ये है, मिसेज से शुरू करो, मिसेज एंड मिस्टर एस के अग्रवाल, ये आ गया, तो देखो यहां से ही बराबर छूट गया, यहां से ये आ गया हमारा नेम ऑफ हॉर्स, बिल्कुल ध्यान में रखना है कौन लिख रहा है उसका नाम लिखना है। अब स्टैंडर्ड फ्रेज क्या होता है, स्टैंडर्ड फ्रेज इनविटेशन के लिए आप लिखते हैं मिस्टर एंड मिस्टर अग्रवाल इनवाइट्स द प्लेजर ऑफ योर कंपनी या ऑफ योर ग्रेसियस प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ऑफ, फिर ओकेजन लिख देंगे किस चीज के लिए आप बुला रहे हैं, तो स्टैंडर्ड फ्रेज आप याद रख लीजिए, तो मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल आर प्लीज्ड, यहां पे लिखो, यहां से लिख दीजिए, ये स्टैंडर्ड फ्रेज में आ गया, आर किसी भी फॉन्ट में लिख सकते हैं आप, प्लीज्ड टू सीक द प्रेजेंस ऑफ योर कंपनी ऑफ On the occasion of, yeah, on the auspicious occasion of the marriage of their, देखो यहाँ पे पूरा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, of their son, इतना आ गया इस लाइन में बराबर पे लिख दे, of their son, son का नाम लिख दीजिए आप आशीष, of their son आशीष आ गया ना, सुन में देर क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहां दो नाम लिखे हैं अग्रवाल मिसेज एंड मिस्टर, इसलिए हमने देर लिख दिया, अगर एक होता तो ही जाता, तो आशीष किसके साथ विद, अब लड़की का नाम लिख दीजिए रमा, अब ये रमा भी तो किसी की लड़की है, ये भी कहीं की रहने वाली होगी, तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे बोलो, डॉटर ऑफ, ये यहां पे लिख दीजिए डी ए यू डी जी एच टी डॉटर ऑफ, वैसे डी ओ भी लिख सकते हैं आप, मिस्टर या मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता, रेजिडेंट ऑफ आर ओ कर दीजिए, रेजिडेंट ऑफ अशोक विहार, या कुछ शॉर्ट में ए 56 अशोक बिहार दिल्ली, ये ब्रैकेट आ गया, अब इतना आ गया ना पूरा, आशीष की शादी इससे होनी है इसका पता भी इससे आ गया, एट द रेज, अब इनका पता कहा है, यहां पे लिखो एट, ये देखो बिल्कुल शॉर्ट में एट हमने बीच में लिखा, देयर रेजिडेंस, देयर रेजिडेंस ए 125 रोहिणी दिल्ली जो भी है एज पर प्रोग्राम, यहां लिख दीजिए बाकी सब प्रोग्राम बनता है एज पर प्रोग्राम। अच्छा एक चीज और है जो हम भूल गए इसमें, वो क्या है वाला, जो हमने प्लेस डेट एंड टाइम नहीं है, सन ऑन यहां लिख दीजिए एट द रेजिडेंस ऑन डिस्टेंट दिस, तो इसको मिटा सकते हैं हम, एट देयर रेजिडेंस थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं जगह कम हो रही है, एट देयर रेजिडेंस, देयर रेजिडेंस ए 134 ए वी अशोक व्यास, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ऑन, अब देखो यहां पे भी ऑन हम यहां लिख सकते हैं बीच में ऑन 25 December 2000 एज पर प्रोग्राम, एज पर प्रोग्राम, ठीक है, और यहां लेफ्ट हैंड साइड में लिखो आर एस वी पी, क्या लिखेंगे
आर एस वी टी, एक दो नाम लिख दीजिए बस, इसके बाद ना तो कहीं साइन करने ना कहीं कोई डेट लिखनी है. दिस इज हाउ ए फॉर्मल इनविटेशन इज प्रिंटेड ऑन कार्ड्स. आई थिंक यू गॉट इट. तो इस तरह से आपने प्रिंटेड इनविटेशन थर्ड पर्सन में लिखने हैं, सारी इंफॉर्मेशन इसमें आ गई है. तो आई होप यू हैव गॉट इट, और इसकी स्क्रीन शॉट लेके आप इसको समझ सकते हैं. इट्स ओके. दूसरे पार्ट में हम बताएंगे आपको इनफॉर्मल इन्विटेशन, और उसके लिए आपको एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा. बाय द वे, दोस हु आर नॉट ऑन माय चैनल, आई रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो लाइक इट. थैंक यू वेरी मच. सी यू.